आज आप लोगों का टॉपिक है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आज हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की गांधीयन अप्रोच को कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। पहले ये काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और है, ठीक है। सबसे पहले गांधीयन अप्रोच, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट गांधी जी जब आए थे इंडिया के अंदर तो उन्होंने रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें की। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो था खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करना। उन्होंने कहा था कि हम बायकॉट करेंगे जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बायकॉट करके खुद के खादी के कपड़े बनाकर पहनेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज जो रूरल एरिया में लोग रहते थे उनकी लाइवलीहुड खादी प्रोडक्ट से आती थी, ठीक है। तो अब गांधी जी ने सबसे पहले रूरल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री और विलेजेस पे ज्यादा ध्यान दिया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इट अटैच इम्पोर्टेंट टू जनरेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। अब वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को कैसे हेल्प किया गांधी जी ने, जो बिल्कुल वीक सेक्शंस थे। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि जो वीकर सेक्शन था हमारा उन्हें गांधी जी ने किस तरीके से हेल्प किया था। ओके, उन्होंने खादी प्रोडक्ट्स कहा था और उस टाइम पे वो तो चरखा वगैरह यूज करते थे, वीकर सेक्शन के पास बस वही अवेलेबल था। तो वो लोग क्या करते थे, उससे खादी प्रोडक्ट्स बनाने लगे, धागा वगैरह बनाया उन्होंने, उससे फिर बाकी प्रोडक्ट्स बनाए जिससे उन सबकी लाइवलीहुड इंक्रीज हुई और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ। अब कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक प्रोविजन ऑफ सर्टन बेसिक अमेनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस लिंक रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस टू मार्केट सेंटर्स एंड फैसिलिटी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा फिगर प्रोमिनेंट इन स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये कुछ बेसिक एमिनिटीज हैं जिनमें रूरल एरियाज लैक करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इजिली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत परेशानी रहती है उस एरिया में, और जितना भी प्रोडक्टिव पर्पस है यानी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको रूरल एरिया के अंदर स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहता है। लिंक रोड्स नहीं है हमारे और वहाँ पे मार्केट सेंटर्स नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट्स नहीं है, और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा वीक है। तो इस तरीके की कुछ बेसिक एमिनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। थ्योरेटिकली गांधीयन अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट मे बी लेबल्ड एज आइडियलिस्टिक। जो गांधीयन अप्रोच है रूरल डेवलपमेंट के लिए उसे आइडियलिस्टिक मान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिस्टिक, को एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिस्टिक? हिकम न्योंग मैम लाइक जी कोई भी फंडामेंटल जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नहीं बच्चे, आइडियलिस्टिक। आइडल क्या होता है, आइडल कौन होता है बेसिकली? आइडल मतलब समवन हु लाइक कोई अच्छा काम किया है उसको हम लोग आइडल बना लेते हैं। इंस्पिरेशन जिससे मिलती हो। तो गांधीयन अप्रोच जो है वो आइडियलिस्टिक है, यानी एक इस तरीके की अप्रोच है जिसे सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत आइडियलिस्टिक है क्योंकि उसके अंदर सोशल और मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। इट अटैच सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू मॉरल वैल्यूज एंड गिव सुप्रीमेसी टू मॉरल वैल्यूज ओवर मटीरियल कंडीशंस। गांधीयन अप्रोच ने मटीरियल कंडीशंस से ऊपर उठ के ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा जो प्राइमेसी दी है वो किसे दी है, मॉरल वैल्यूज को दी है। गांधीयन बिलीव दैट द मॉरल सॉरी सोर्स ऑफ मॉरल वैल्यू इज जनरल लाइज ऑन religion and Hindu scriptures like Upanishad and Gita in particularly. अच्छा, गांधी जी के जो भी followers हैं वो लोग mainly बोलते हैं कि moral values कहाँ से आती हैं, जब हम लोग इस तरीके की कुछ Hindu and religion related ये जो कुछ चीजें पढ़ते हैं, Upanishads आपने सुना होगा, गीता सुना होगा, भगवद गीता बहुत ज्यादा read की जाती है, रामायण read की जाती है, तो
तो इस तरीके की चीजों को गांधियंस जो भी मतलब गांधी जी को फॉलो करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इनके ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट की बात हुई है, दैट इज कॉल्ड राम राज। राम राज किसने सुना? What is Ram Raj? The concept of Ram Raj. Hikam, Nyom or Ringu. तीनों में से किसी को भी आइडिया हो What is Ram Raj? मैंने तोरा सुना था वो। बोलिए किस बारे में Ram Raj? Ram Raj मतलब especially से ये हिंदू से derive किया है। हिंदू derive किया बिल्कुल। इसमें था क्या? Ram Raj का concept क्या था? ये जो मॉरल वैल्यूज वगैरह। अगर हम बेसिक हिंदुइज्म में बोले कि रामराज किसे कहा जाता है तो ये उस एरा को कहा जाता है जिस टाइम में जो राम जी थे जिन्हें हिंदुइज्म में भगवान राम बोलते हैं, जो उनका टाइम पीरियड था जब वो एज अ किंग रूल कर रहे थे तो उसे रामराज बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जो थी ऑडियंस बोल रही हूँ मतलब जो भी उनकी आगे जो भी मतलब उनकी जनता थी जितने उनके अंडर लोग थे वो लोगों की बात सुनी जाती थी, वो जो बोलते थे वो वहां पे एप्लीकेबल था और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो किंग ने बोल दिया वही चीज चलेगी। वहां पे सब कुछ आइडियलिस्टिक था। रामराज में जो हम रामराज के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं बट जितना रामायणा से वो किया गया है ड्राइव किया गया है वो एक ऐसा गोल्डन पीरियड बोला जाता है जिसमें जनता राजा की जगह पर मानी जाती। ठीक है, बट गांधियन अप्रोच के अंदर कहा गया है रामराज वो टाइम पीरियड नहीं है। रामराज गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है द सॉवर्निटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन मॉरल अथॉरिटीज, यानी लोगों को सॉवर्निटी दी गई है मॉरल अथॉरिटी के बेसिस पे, ये उसे बोला गया है। He did not view Rama as a king and people as his subject. गांधी जी ने राम को किंग नहीं माना अपने रामराज के अंदर और जो लोग थे उन्हें सब्जेक्ट्स नहीं माना यानी उन्हें गुलाम नहीं माना। इन द गांधियन स्कीम राम स्टूड फॉर द गॉड और वन्स ओन इनर वॉइस। ठीक है, गांधियन अप्रोच के अंदर राम किसे कहा गया है? हमारी इनर वॉइस को और जो हमारे गॉड है उन्हें कहा गया है। गांधी बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर इन विच पीपल आर सुप्रीम। ये एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर जो लोग थे वो सुप्रीम पोजिशन पे थे। Their supremacy is, however, not absolute. It is subject to the moral value. ऐसा नहीं है कि जो लोग थे उन्हें king माना जाता था, but ये जरूर है कि उन्हें moral value के basis पे एक supreme जगह दी गई। ठीक है? अब ideal village की बात हो रही है। सबसे पहला concept जो Gandhian approach में आया, that was a ideal village. Okay, ideal जैसे हम लोगों ने माना एक ऐसी शख्सियत जिसे हम लोग मतलब बिल्कुल सही मान सकते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं दिखता हमें। तो एक आइडियल विलेज के बारे में क्या कहा गया था? द विलेज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ गांधियन आइडियलिस्टिक सोशल ऑर्डर। गांधी पॉइंटेड आउट इफ द विलेज परसीज इंडिया विल बी प्रीच टू, वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन इंडिया ऑफ विलेज दैट इज एन एंशियंट एज हरसेल्फ एंड इंडिया ऑफ सिटीज विच आर क्रिएशन ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। तो गांधी जी ने बेसिकली बोला था कि अगर इंडियन विलेजेस जो है वो फ्लरिश करेंगे तो इंडिया भी फ्लरिश करेगा और हम लोगों को दो चीजों में चॉइस करना है, पहला इंडिया ऑफ विलेजेस जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है और दूसरा इंडिया ऑफ सिटीज जो कि फॉरेन डोमिनेशन के बाद बनाया गया है। तो मेन चीज जो इसके अंदर बोली गई थी वो ये थी कि हमें अपनी विलेजेस और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है और उन्हें डेवलप करना है। जी आपका आवाज गायब हो गया था, अभी सुनाई दिया हमको। आवाज चली गई थी। हाँ। ओके, हम लोग आइडियल विलेज के बारे में पढ़ रहे थे, अभी क्लियर आ रही है ना? यस मैम। ओके, आइडियल विलेज के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें गांधी जी ने बोला था कि इंडियन विलेजेस जो हैं वो इंडिया को डेवलप करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। हमें चॉइस करनी है दो चीजों के बीच में, फर्स्ट इंडिया ऑफ विलेजेस जो कि एंशियंट टाइम से चल रहा है और जो इंडिया का बेसिक जो बोलते हैं ना जड़ है जैसे, ठीक है, रूट ऑफ इंडिया है, और दूसरी है इंडिया ऑफ सिटीज जो कि फॉरेन डोमिनेशन से बनाया गया, ये जो शहर और ये जो अर्बन एरियाज हैं इन्हें फॉरेन डोमिनेशन से बनाया गया। ठीक है,
तो गांधीज आइडियल विलेज बिलोंग टू द प्री ब्रिटिश पीरियड. गांधी जी की जो आइडियल विलेज कंसेप्ट था ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आई थी और उस टाइम पे जो विलेजेस थी उनसे रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू गांधी जी दिस फेडरेशन विल बी ब्रॉट अबाउट नॉट बाय कोर्शन और कंपल्शन बट बाय वॉलेंट्री ऑफर. गांधी जी ने बोला था कि अगर हमें इस तरीके की विलेजेस बनानी भी हैं जो प्री ब्रिटिश पीरियड में होती थी तो हम लोग ये जोर जबरदस्ती से नहीं बनाएंगे. हम जिसे भी इस तरीके की विलेजेस चाहिए वो वॉलेंट्रीली इस तरीके से काम करेगा. ठीक है, फर्स्ट थी आइडियल विलेजेस. सेकेंड कंसेप्ट जो इसके अंदर आया था दैट वॉज डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, किसी को थोड़ा सा भी ध्यान है? गांधीयन अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी को भी आइडिया है? When decentralizing मतलब to focus on particular issues. Not exactly. Okay, centralization का मतलब ये होता है, मैं decentralization का इसके बाद बताऊंगी. अगर मैं companies point of view से बताऊं, centralization का मतलब होता है कि जब सारी powers और decision making powers जो हैं, वो एक particular level के ऊपर है, यानी सिर्फ management decision लेगी, नीचे जितने भी लोअर लेवल पर लोग हैं उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. बट डिसेंट्रलाइजेशन सेज कि आप अपनी कुछ पावर्स और कुछ अथॉरिटीज लोअर लेवल पे आप उसे शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो लोअर लेवल पे है वर्किंग इजी हो सके. फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हेड कर रही हूँ, ठीक है, और आप लोग मेरे उसमें कलीग्स हैं. मैंने क्या किया कि जो काम था उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सेंट्रलाइज रखा, सारी अथॉरिटी और सारी पार्ट्स अपने पास रखी और आप लोगों को जस्ट ऑर्डर्स दिए कि आपको ये काम करना और ये काम करना. तो ऑब्वियसली आप लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों को डोमिनेट कर रही हूँ, ठीक है. बट डिसेंट्रलाइजेशन के उसमें क्या होगा, मेरे पास अथॉरिटी एंड पावर्स हैं, मैं क्या बोलूंगी, मैं हमारे प्रोजेक्ट का कुछ एक हिस्सा रिंगू को दे दूंगी कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जितने डिसीजन और जितनी अथॉरिटीज हैं वो आपके पास है, और दूसरा एक पोर्शन हिकम को दे दूंगी और बाकी जो बचा पोर्शन होगा वो नियॉम को दे दूंगी. इससे क्या होगा कि हर एक पर्सन के पास अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसके ऊपर उसे प्रॉपर ध्यान देना है और डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके पास होगी. तो डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत ज्यादा गांधीयन अप्रोच ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था. इन्होंने कहा था कि जो सोशल और पॉलिटिकल पावर है वो लोअर लेवल अथॉरिटीज के पास होनी चाहिए. विलेजेस के अंदर कौन सी अथॉरिटी होती है मुझे बताइए. जैसे हमारी ये है, हमारा एरिया है, यहाँ पे एमएलए और एमपीज होते हैं, बट विलेजेस के अंदर क्या कंसेप्ट होता है? ग्राम पंचायत. बिल्कुल, ग्राम पंचायत. तो गांधीयन अप्रोच के अंदर ग्राम पंचायत के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था. गांधी जी का कहना था कि डिसेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए, विलेज लेवल के ऊपर डिसीजन लेने का जो राइट है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो विलेज पंचायत के पास होनी चाहिए, ना कि स्टेट और नेशनल कैपिटल के पास. ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट्स फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुड कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल कॉल्ड अ पंचायत. उन्होंने बोला कि स्टेट और नेशनल लेवल पे नहीं, अथॉरिटीज हमारी पंचायत लेवल पे होंगी, और इससे क्या होगा, जितने भी जो जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे उसे सारे अडल्ट चूज करेंगे फॉर 5 years, एंड वो जो काउंसिल होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की उसे पंचायत बोला जाएगा. ठीक है, पहला हमारा आइडियल विलेज का कंसेप्ट आया, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन का. क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक किसी को भी डाउट हो? मैम वो राम राज्य में थोड़ा सा वो नहीं बोलते क्या, क्या बोलते, यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, आदित्यनाथ, वो हमेशा राम राज्य राम राज्य बोल के, देन उसका कौन से भी पता भी तो मैम अलग है. तो बच्चे जो राम राज योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश है, जब वो बोलते हैं ही ऑलवेज टॉक अबाउट लॉर्ड राम. ठीक है, बट जो गांधीयन अप्रोच में हम लोग बात कर रहे हैं
यहाँ पे हम लोगों ने राम माना है द इनर वॉइस को, एंड हम लोगों ने जो सुप्रीम पावर माना है वो पीपल को माना है, ठीक है। बट जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो बात करते हैं लॉर्ड रामा के बारे में और उनकी वहां पर सुप्रीमेसी के बारे में, बट इसके अंदर वो चीज नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट रिलीजन, बट यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? हिकम न्योम कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। क्लियर है न्योम आपको? नो मैम। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी बेसिक चीजों बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, सेल्फ सफिशिएंसी का? व्हेन यू विल कॉल योरसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट, किस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट मानोगे? जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो यही बात गांधीयन अप्रोच के अंदर कही गई है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जाए विलेज लेवल के ऊपर, तो बेसिकली कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो विलेज लेवल पे ही कंप्लीट होनी चाहिए। विलेजेस को किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। विलेज के अंदर खाना मतलब जो फार्मर्स हैं वो वहां पे फूड ग्रो करते हैं, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी कम होगी क्योंकि जो विलेजेस है वो मैक्सिमम किसी ना किसी रिवर के आसपास होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इरिगेशन सिस्टम आसानी से मिल जाता है। नेचर की अगर बात करें, वहां का नेचर और एक क्लाइमेटिक कंडीशंस उन्हें हर तरीके से स्ट्रांग बनाती हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, वी शैल हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हाट कैन बी इन ऑर्डर thereby टू ऑब्टेन इन एक्सचेंज व्हाट वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस। गांधीयन अप्रोच ने बोला, जिस टाइम पे गांधीयन अप्रोच आई थी उस टाइम पे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। विलेजेस उतना कमा पा रहे, उतना उगा पा रही थी जितना वो खुद खा सके। तो गांधीयन अप्रोच सेज कि हमें इतना ग्रो करना चाहिए कि हम लोग अपने जितना एक्स्ट्रा होगा, जितना एक्स्ट्रा फूड है या जितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हैं, उन्हें एक्सपोर्ट कर सके, ताकि उससे विलेजेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी डेवलप हो सके। क्लियर सेल्फ सफिशिएंसी का रोल? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद बात ने जी बोलिए, बोलो बच्चे। मैम का आवाज इतना स्लो मोशन से आ रहे हैं यार, नेटवर्क इशू होगा बच्चे। और मैम तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है वो स्वराज मूवमेंट नहीं था क्या, उससे लाया था क्या? स्वराज मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग बच्चे। यहाँ पे गांधीयन अप्रोच फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रूरल एरियाज को नहीं सुन रहा, एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ। आप बात कर रहे थे सेल्फ सफिशिएंसी की, रिंगू आप सेल्फ सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ मैम, स्वराज मूवमेंट में भी थोड़ा सा मतलब सेल्फ सफिशिएंसी की थोड़ा सा बात किया था ना महात्मा गांधी। बिल्कुल, और ये जो अभी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत, वो वहां से लिया है ना फिर से? राइट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को खुद पे डिपेंडेंट होना है, हमें इतना प्रोड्यूस करना है कि हम अपनी खुद की जितनी नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद बाकी एक्सेस को एक्सपोर्ट कर सके और इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करा सके, ठीक है। अब यहाँ पर बट गांधीयन अप्रोच के अंदर फ्रीडम वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ विलेजेस को डेवलप करने का है, ठीक है। एंड एक और चीज, जैसे हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, यहाँ पे दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। हम कहते हैं एक साइड पे कि हमें इंडिया को इतना डेवलप करना है कि इंडिया किसी से इम्पोर्ट नहीं करे, इम्पोर्ट कम करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, राइट। बट इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन कर लिए गए हैं कंट्रीज के साथ में, फॉरेन कंट्रीज के साथ में, जिसमें ये बात कही जाती है कि इम्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कभी सर्च करना, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका हिस्सा इंडिया भी है, जिसमें कहा गया है
कि आप इम्पोर्ट को बढ़ावा दोगे, दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फोर्थ कंसेप्ट आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आइडियल विलेज, सेल्फ सफिशिएंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। गांधी जी मेंटेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हेल्प ओनली अ फ्यू एंड विल लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू पैसिव एंड एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेजेस। गांधीयन अप्रोच के अंदर ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगर रूरल एरियाज में आती हैं तो ये एक्सप्लॉयट करेंगी विलेजेस को। जैसे कि आज के टाइम पे जो कंडीशन बनी हुई है, रीसेंट कंडीशन यही है कि अगर इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज पे अपना कब्जा कर लेती हैं तो वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। दैट इज वाई ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज वो लोग वहां पे मोनोपोली नहीं चाहते हैं इंडस्ट्रीज की, ठीक है? यही चीज गांधीयन अप्रोच में भी कही गई है। गांधी जी सेज कि अगर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है विलेजेस के अंदर तो मेन जो वहां पर होगा वो एक्सप्लॉयटेशन होगा विलेजेस का, वहां के रिसोर्सेस का और वहां के नेचुरल क्लाइमेट का। इट इनकरेज कॉम्पिटिशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिक्वायर मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन्स प्रॉफिट सीकिंग थ्रू अ एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म। जो लार्ज इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी वो वहां पर प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट से आएंगी, और प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट के अंदर आप भी जानते हो कि जो पर्सन प्रॉफिट कमाना चाहता है वो किसी भी लिमिट्स को क्रॉस करेगा और कितना हो सकेगा उतना एक्सप्लॉयट करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें भी और जितने लोग हैं वहां पर उन्हें भी। मोरओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिप्लेस मैन पावर एंड हेंस इट एड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मिलियन ऑफ लेबरर्स इन विलेजेस डू नॉट गेट वर्क फॉर इवन 6 months इन अ ईयर, industrialization will not only increase unemployment but force labor to migrate to the urban areas. This will ruin villages. ठीक है, ये समझ में आया industrialization का concept? Yes, ma'am. Okay, ये कम नियम आपको clear है? ma'am. जी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी भी? अभी ठीक है मैम। ओके, मतलब इससे पहले वाला आप लोगों ने नहीं सुना? हेलो नॉम, इससे पहले वाला आप लोगों ने नहीं सुना? हिकम आपने भी नहीं मैम। कहाँ तक सुना था बच्चे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पढ़ाया इससे पहले? यही तो पढ़ाया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये समझ में नहीं आया? ये क्लियर नहीं हुआ बच्चे? हिकम नॉम आप दोनों को? मैम जी क्लियर हो गया, हम दोनों का आवाज अचानक से कम हो गया था, आपका आवाज तो बहुत कम आ रहा था इसलिए हम दोनों सोचे और भी कुछ करा चुके। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट करा दूं, ट्रस्ट चेक? हाँ ठीक है मैम। ओके, गांधीयन अप्रोच में नेक्स्ट कांसेप्ट इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप में क्या होता है, गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बट ही वॉन्टेड टू रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज टू व्हाट वॉज नेसेसरी टू यील्ड द ऑनरेबल लाइवलीहुड फॉर द एक्सेस ही प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। अब इन्होंने बोला गांधी जी अगेंस्ट नहीं थे कि आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उस एरिया में आना चाहिए, बट ही ऑलवेज सेज कि उनके राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि वो लोग वहां पर जो नॉर्मल लाइवलीहुड है उसे इफेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है? गांधी जी एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इन सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। ही फर्मली बिलीव दैट ऑल सोशल प्रॉपर्टीज शुड बी हेल्ड इन ट्रस्ट। द कैपिटलिस्ट वुड टेक केयर
नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स. अब कैपिटलिस्ट क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? थोड़ा सा भी आइडिया हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? मैं मनी बेस्ड इकोनॉमी. मनी बेस्ड इकोनॉमी. और इसके अलावा सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों सुना है? सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप लोगों ने दोनों सुनी होगी या नहीं सुनी है? आइडिया है इस बारे में? थोड़ा सुना था मैंने. ओके, मैं दोबारा कंसेप्ट बता देती हूँ. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर ज्यादातर जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है, मैक्सिमम अथॉरिटीज गवर्नमेंट के हाथों में है कि मार्केट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा. आप फ्रीली एंटर नहीं कर सकते और फ्रीली एग्जिट नहीं कर सकते हो. बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेज कि कोई भी पर्सन किसी भी टाइम फ्रीली मार्केट में एंटर हो सकता है एंड फ्रीली उसे एग्जिट कर भी सकता है, ठीक है. तो गांधी जी सेज कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है बट वहां तक जहां तक कि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही है, ठीक है. प्राइवेट इंडस्ट्रीज होनी चाहिए बट उस एक लिमिट तक जहां तक ट्रस्ट बना रहे दोनों के बीच का, ठीक है. तो ये थी हमारी गांधीयन अप्रोच, इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे. अब इसके बाद आता है कि नेशनल प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे नेशनल प्रोग्राम्स जो रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है. The setting up of rural industry units is primarily the concern of private entrepreneurship. Okay. However, the central government have formulated many schemes for developing and promotion of such units throughout the country. जो rural industries है, rural industrialization है, वो basically private entrepreneurs की वजह से होता है. But इसके अलावा central government जो है ऐसी industries को promote करने के लिए बहुत कुछ कर रही है. The finance minister in his budget speech for 1999 to 2000 announced the national program for rural industries, jise hum NPRI bolte hain, to promote cluster of units in rural areas, aiming to set up 100 rural clusters in each year. Jo hamara 2000 budget aaya tha, uske andar hamare finance minister ne kaha tha ki hum ek NPRI ek unit bana rahe hain जो बेसिकली क्लस्टर्स यानी कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी रूरल एरियाज में. और हम लोग हर ईयर कम से कम 100 क्लस्टर्स डेवलप करेंगे. ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर SSI हैज बीन डिजाइन टू कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एजेंसीज हु आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सिमिलर प्रोडक्ट्स. एक SSI करके डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका मेन काम था कोऑर्डिनेट करना ऐसे वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ ऐसे कुछ सिमिलर प्रोग्राम्स को लेकर, ठीक है. अब यहाँ पर बात हो रही है, ओके, इट वाज देयरफॉर डिसाइडेड टू कोऑर्डिनेट एंड सिनर्जीज. सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज सिनर्जी इफेक्ट? सिनर्जी इफेक्ट के बारे में जानता है कोई? मैम सिनर्जी का मतलब when you get support from two sides. When you get support from two sides, बिल्कुल, exactly. Synergy effect होता है जब आप, for example, मैं अकेले जब company चला रही हूँ तो मुझे जो profit हो रहा है वो 200 units का हो रहा है, ठीक है. और साथ में रिंगू जब profit चला रही है उसको भी अकेले 200 units का profit हो रहा है. हम दोनों same business में deal कर रहे हैं, हमने decide किया कि हम इकट्ठे business करना start करेंगे. जब हमने इकट्ठे बिजनेस किया तो हमें जो प्रॉफिट हुआ दैट वाज 600 यूनिट्स. तो दिस इज सिनर्जी इफेक्ट. जब दो से तीन लोग इकट्ठे मिलके उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं जितना वो इंडिविजुअली कमा रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए और सिनर्जी एफर्ट्स लाने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसके साथ में एफर्ट्स किए, ठीक है. इससे क्या हुआ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज Commission has taken up 50 rural industries cluster for development during 1999 and 2000. Khadi industry ek commission banaya gaya tha jisne 50 rural industries cluster banaye jisne ki bahut zyada development kiya. SIDBI is a bank, theek hai. SIDBI also has selected 25 cluster for
डेवलपमेंट. सिड भी बेसिकली हमारा जो रूरल एरिया है वहां पर इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करने के लिए, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है. तो सिड भी जो इंस्टीट्यूट है इसने भी 25 क्लस्टर्स बनाए. द रेस्ट हैज बीन टेकन अप बाय द ऑफिस ऑफ DCSSI, NABARD एंड अदर स्टेट. NABARD भी एक बैंक है जो बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये कुछ डाटा है हमारे पास कि 1999 एंड 2000 के टाइम पे किस तरीके से हमारी रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था. अब यहाँ पे मेन बात हो रही है इस कंसेप्ट की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से चलाई गई है. दिस इज इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, IID सेंटर्स. बिसाइड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड अनदर स्कीम फॉर सेटिंग अप इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में 8-5 ईयर ओल्ड प्लान के साथ में. ड्यूरिंग दिस प्लान अ टारगेट ऑफ 50 सच IID सेंटर्स वर सेटअप. एक टारगेट रखा गया था हमारा 5 ईयर प्लान के अंदर जिसमें ये IID सेंटर सेटअप किए गए. अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि हमारे 5 ईयर प्लान्स को किस कमीशन ने रिप्लेस किया है? आइडिया है किसी को? हमारे 5 ईयर प्लान्स अब नहीं बनते हैं, इसे किसने रिप्लेस किया? वो है क्या 6 पे कमीशन? नहीं बच्चों, नीति आयोग. नीति आयोग ना मैम, राइट. 5 इयर्स कमीशन को हमारे नीति आयोग ने जो है वो रिप्लेस किया है. अब हम 5 इयर्स प्लान नहीं बनाते, उसकी जगह पे हम लोग ईयरली बजट या फिर इस तरीके का कुछ बनाते हैं. हम सिर्फ एक साल का सेटअप रखते हैं. अब जो उस टाइम पे 5 ईयर प्लान थे उसमें कुछ सेक्टर्स को चूज किया गया था जिससे इंडियन डेवलपमेंट में हेल्प होने वाला था कॉयर इंडस्ट्री के अंदर. पहला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, दूसरा डोमेस्टिक मार्केटिंग डेवलपमेंट, थर्ड वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, वेलफेयर मेजर्स, क्वालिफाई इम्प्रूवमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन फाइबर सेक्टर. व्हाट इज ब्राउन फाइबर सेक्टर? ये आप लोगों का होमवर्क है ब्राउन फाइबर सेक्टर के बारे में जानने का. ठीक है, ब्राउन फाइबर सेक्टर क्या होता है ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्योंकि बाकी सब सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, ब्राउन फाइबर सेक्टर के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है. ब्राउन फाइबर सेक्टर आप लोगों का होमवर्क है. देन इंटीग्रेटेड कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर कोऑपरेटिव स्कीम्स. ठीक है, तो ये 7 कुछ सेक्टर्स चूज किए गए थे फॉर रूरल डेवलपमेंट. नाउ आज